बैठो बैठो। कहा बाबू मन लग रहा है ना? जी बाबूजी। अरे ना ना बाबूजी, कोई मन नहीं लग रहा। रात को तिसु बाहर की अम्मा की याद आ रही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है बाबूजी, ये तो बस। अरे अब बाबूजी से क्या शर्माना, अब तुम नहीं कहोगी तो हम भी कह देते हैं। बेटा फिक्र मत कर, रौनक है ना उधर, अभी दो चार दिन में आ जाएगा बस। जी बाबूजी। अरे संतन जी, नमस्कार। वाह, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी अभी आप ही का बात कर रहे थे। आइए आइए बैठिए ना, आइए आइए। अरे यूं अचानक है रौनक, सब कुशल मंगल तो है ना? अच्छा बिरजू नहीं आया? बापूजी, भैया भाभी हम कुछ कहना चाहते हैं। अरे बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। जानवी, माता जी के लिए पानी मिठाई कुछ लेकर आओ। एक काम करो, चाय लेकर आओ। जी अभी लाई। जाओ। संजय जी बड़ा अच्छा लगा, आपने अचानक आके एकदम से हमको चौंका दिया। बहुत बढ़िया है, और उधर सब मंगल कुशल है। ये आपकी चाय अम्मा, आपकी चाय। अच्छा बिरजू को नहीं लाए, उसे भी ले आते। अरे वो सुबह हम जब घर से निकले तो बिरजू घर पे था नहीं, और जब हमने उसे फोन लगाने की कोशिश भी की तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। निकल गया होगा सुबह सुबह आवारागर्दी करने। वैसे भी अब खुला सांड बन चुका है, जब हम रहते थे तो कायदे से रखते थे, अभी जाके उसकी खबर लेते हैं फोन करके। अरे जिन्नी बेटा, तू काहे परेशान हो रही है, हम उनका फोन कर देंगे। और वैसे भी घर खुला छोड़ना अच्छा नहीं है ना, वो रहेगा तो थोड़ा ख्याल रखेगा। ये बात ठीक है, आराम से उसको बता दीजिएगा, आराम से बात कर लीजिएगा उससे। अच्छा बेटा कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। जी बाबू, सफर से आया, भूख लगी होगी। अच्छा हम भी आते हैं। वाह बुआ, मजा आ गया। बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया तुमने। बाबूजी खाना हमने नहीं, माँ ने बनाया। अरे कमाल किया आप, आपने क्यों तकलीफ की? अरे आप तो मेहमान हैं, आराम कीजिए। काम करने के लिए ये बच्चे लोग हैं ना। भाई साहब उसमें तकलीफ की क्या बात है, अब हमारी बेटी का घर हमारा ही तो घर हुआ। अच्छा माँ जी, हमने आपके सोने का इंतजाम रौनक के कमरे में करवा दिया, और रौनक तू बाबूजी के साथ सो जाना। लाते मत मारना है। चलो बातों बातों में इतनी देर हो गई है, आप भी थक गए होंगे, आराम कीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। चलो मैं तुम्हारे लिए बिस्तर लगा देती हूँ। तुम क्यों तकलीफ करती हो, तुम जाओ, दामाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, मैं बिस्तर लगा दूंगी। पक्का? जल्दी से सो जाना, ठीक है? हाँ। मैं चलती हूँ। तुमने बताया क्यों नहीं? बता दूंगा, समय आने दो, बता दूंगा। हमें ना बहुत ही घबराहट हो रही है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो? हमें सब कुछ सही नहीं लग रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम कल गांव चले जाते हैं। तुम्हें घबराने की कोनो जरूरत नहीं है, और ना ही कहीं गांव जाने की जरूरत है, हम पर भरोसा करो। जानवी। जी अम्मा के पांव दबा रहे हैं, अभी आए। भाभी तुमका भैया बुला रहे हैं, तुम जाओ, हम पैर दबा देते हैं।
धीरे आपके और रौनक के बीच में क्या चल रहा है? वो हमसे प्यार करते हैं और हम भी उनसे प्यार करते हैं। अरे लेकिन वो तो बेवकूफ है, उसे अपना अच्छा बुरा नहीं पता। तुमसे थोड़ा ज्यादा समझदार है, तुम्हारी तरह पैजामे का ढीला नहीं है। इस उम्र में ये सब आपको शोभा देता है क्या? दामाद जी, कल रात जो आप करने वाले थे, क्या वो आपको शोभा देता है? हमको तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। हमको लगता है हमको सबको सब कुछ बता देना चाहिए। अब गए तो थे सबसे बात करने, और तुम्हारे सामने जो हुआ सो हुआ, अब अगला मौका कब मिलता है देखते हैं। ये जो पारिवारिक मेला लगा हुआ है ना, ऐसे में मौका मिलने से रहा। हमको लगता है हमें मौका बनाना पड़ेगा, और वो मौका अभी है। अभी? अरे बापू ये देखो ना इतना। अरे हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ जरूर बैठिए ना। बापूजी, भैया, भाभी, हम ये कहना चाहते हैं कि हम सरला को भगा कर लाएं। हम इससे प्यार करते हैं और इसे ब्याह करना चाहते हैं। दिमाग खराब हो गया तेरा? तेरी सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे बापू छोड़ दीपक और दे हमें, हम इसे पीट 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 इसका मुंह लाल कर देंगे, मार मार के जूता इसका पिछाड़े लाल कर देंगे। छोड़ छोड़। बापू शांति धर, तुम कहीं सुबह सुबह भांग फांक लियो क्या? हम सुध होश में, हम सरला से प्यार करते हैं और सरला भी हमसे प्यार करती है। क्यों सरला? रौनक ठीक कह रहा है। अरे जिनी, जिनी, जिनी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना जिनी? ए हमदर्दी हमका ना दिखाओ, बुढ़ापे में सटिया गई होगा। शर्म वरम है या कुएं में फेंक आई? भजन करने की उम्र है, ब्याह करने की सपना देख रही हो? हाँ जिनी हमारी बात तो सुन ले बेटा। हमको नहीं सुनना कुछ भी, और सुनने का कुछ बाकी है का? कहीं गाबिन तो नहीं हो गई हो? चुप, कहे कुछ भी बोल रही है? हम तो बोल रहे हैं चार समाज में जो मुंह काला करवा कर आई उसका का? अरे अपने बारे में नहीं हमारे बारे में तो सोच लेती। एक हफ्ता हुए है हमें या शादी की आए, भाग कर आ गई अपना घर बसाने चली हो, हमारा ब्याह उजाड़ कर। भाभी आपने बहुत कह लिया और हमने बहुत सह लिया, अब हम सरला के खिलाफ कोनो शब्द नहीं सुनेंगे। क्या गलत कह दिया इसने? और तू कहे ऐसे हट रहा है? बहुत बड़ा काम करके आया क्या? अरे गांव वालों को पता चल गया ना, जूती और लाठी से कुटाई होगी तेरी, गांव से बाहर निकालेंगे वो अलग। बापू हम किसी से डरते नहीं, हम सरला को लेकर दूर चले जाएंगे लेकिन सरला को नहीं छोड़ेंगे। बापू आप जायदाद का बंटवारा कर लीजिए, उनको हमारा हिस्सा दे दो, हम चले जाएंगे। बंटवारा कर तू? सुनो सुनो दीपक क्या कर रहे हैं? एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये भगवान कैसी औलाद दी है तूने मुझे, कपूत है नारा क्या करे? हेलो दीदी, कैसी हो? अम्मा ये घर पर कितने रौनक से शादी करना है, वो हमको देखो यहाँ पे एक हफ्ता नहीं हुआ है शादी करके, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा तुम घर पर आए,
हेलो हेलो बिरजू बिर सरला तनी सा खा लो हमरा बस चले तो इसमें जहर मिला दे जानवी हमने जो किया है उसके लिए हमको तो सुनना ही पड़ेगा अपनों से सुनेंगे तो आदत पड़ जाएगी फिर पराए बोलेंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ही अच्छा काम ना की हो जैसे बेचारी बन रही हो राम जाने इस उम्र में कौन सा इश्क का भूत सवार हुआ है भाभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो कुछ भी बोली जा रही हो रौनक चुप रहो बोल नहीं दो से आप कहे मुंह में दही जमाए बैठे हैं हमारी अम्मा से गलती हुई तो हुई आपके भाई से भी तो गलती हुई ना उसे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं अरे बिरजू बिरजू अरे बिरजू पगला गए हो का हम पागल हो गए और ये जो नौटंकी हो रही उसका क्या उससे तुमको क्या मतलब देख रहे हो दीदी अम्मा का दिमाग खराब हो गया है हम तो समझा समझा के थक गए हैं मान ही नहीं रही है अकल में पत्थर पड़ गया इनके हमको भी ये रोज रोज का नाटक नहीं चाहिए इसलिए हम कह देते हैं बापू जायदाद का बंटवारा कीजिए हमको हमारा हिस्सा दीजिए हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे हिस्सा चाहिए तुझे हा? हमारे जीते जी तो हम बंटवारा होने नहीं देंगे हम मर जाए ना तो फिर जो जी भी है करना शादी करेंगे तो हम सरला से बताए हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहू अब तुम ही कुछ फैसला करो इस घर की बड़ी बहू हो तुम बताओ कहाँ चाहती हो तुम और तुमसे इतनी विनती है कि इस घर को टूटने से बचा इस पे इतना क्या सोच रही हो माँ चलो घर चलो बहुत करा ली बदनामी अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे सरला कहीं नहीं जाएगी वो जाएगी तो हमारे साथ जाएगी और यही हमारा फैसला तुम तुम्हारा फैसला अपने पास रखो दीदी को फैसला करने को बोला है जाओ वहीं खड़े रहो बताओ दीदी क्या सोचा है ठीक है सरला हमरे घर शादी करके रौनक के साथ रह सकती है ये क्या बकवास कर रही हो दीदी तू चुप रह ये हमरा घर है और हम नहीं चाहते इस घर का बंटवारा हो लेकिन तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी का तुम इस घर में रहोगी लेकिन हमारा रिश्ता माँ बेटी का नहीं रहेगा मैं जेठानी तुम देवरानी बोलो मंजूर है ये का बात है रहेगी तो तुम्हारी माँ ही ना ये तुम्हारे साथ शादी करके एक नए रिश्ते का जन्म दे रही है अब हम भी पुराने रिश्ते को मार के एक नए रिश्ते को जन्म देंगे बोलो मंजूर है हम तैयार हैं